हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, आप सब जानते हैं ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का WWE चैंपियनशिप का मैच एक ऐसा मैच होने वाला है जो कि दोनों में से एक नाइट को जरूर मेरिट करेगा, बट सभी के मन में यही सवाल है कि आखिरकार इस मैच में जीत किसकी होगी, कि क्या यहां पर ड्रू मैकइंटायर ब्रॉक लेसनर को हराकर बन जाएंगे न्यू WWE चैंपियन, या फिर ब्रॉक लेसनर रिटेन कर लेंगे अपनी टाइटल। और जब ये बिना ऑडियंस के होने वाला, तब ये कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यहां पर जीत किसकी होगी। एंड आज के इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच में किस सुपरस्टार की जीत देखने को मिल सकती है, एंड कौन लीव करेगा रेसलमेनिया को एज अ WWE चैंपियन। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ऐसे पांच बड़े सुपरस्टार्स के बारे में जो कि अपने रेसलमेनिया मैचेस से हो चुके हैं बाहर। इसके अलावा बात करेंगे कि आखिरकार रेसलमेनिया 36 की लेंथ कितनी होने वाली है जब ये इवेंट होने वाला है 2 डेज का। तो गाइस, इन सब अपडेट्स हम सबसे पहले इसी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार रेसलमेनिया 36 की लेंथ कितनी होने वाली है, यानी कि ये कितने घंटों का होने वाला है। तो आप सब जानते हैं पहले जब रेसलमेनिया 1 डे की होती थी तो उसकी लेंथ होती थी लगभग 7 से 8 घंटे की, बट आप सभी के मन में ये डाउट तो जरूर आ गया होगा कि भाई इस साल का रेसलमेनिया जब 2 डे इवेंट होने वाला है देन वो कितने कितने घंटे की होगी। तो आप सबको बता दूं, जो फर्स्ट डे रेसलमेनिया होने वाली है उसमें से 1 आवर का होगा किक ऑफ शो एंड 3 आवर 15 मिनट्स की होगी मेन शो, जहां पर हमें बड़े बड़े मैचेस देखने को मिलेंगे। एंड किक ऑफ शो में WWE उन्हीं मैचेस को डालेगी जिसे WWE ने बिना मतलब के कंफर्म कर दिया। वही बात की जाए दूसरे दिन की, दूसरे दिन में भी हमें 1 घंटे का पहला तो किक ऑफ शो देखने को मिलेगा, बट दूसरा जो मेन शो देखने को मिलेगा वो होगा ओनली 3 आवर्स का, जहां पर हमें पहले दिन देखने को मिलने वाला था 3 आवर 15 मिनट्स का। पता नहीं WWE ने दूसरे दिन 15 मिनट कम क्यों किया, बट जो भी हो अभी के लिए यही टाइम में निकल कर आ रही है। यानी कि अगर हम किक ऑफ शो प्लस मेन शो को दोनों को ऐड कर दे तो दोनों दिन हमें 4 घंटे का शो देखने को मिलने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि ये एक सही थिंग है कि हमें एक बार में ज्यादा बड़े शो देखने को ना मिले। एंड जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि रेसलमेनिया 36 में टोटल हमें 16 मैचेस देखने को मिलने वाले, जिसमें से 8 मैचेस WWE पहले दिन करवाएगी एंड 8 मैचेस दूसरे दिन। इसलिए ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार WWE 16 मैचेस में से किस किस मैचेस को पहले दिन डालती है एंड किस मैचेस को दूसरे दिन। तो अब बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है ऐसे 5 सुपरस्टार्स से जो कि हो चुके हैं अपने रेसलमेनिया मैचेस से बाहर। तो सबसे पहले सुपरस्टार है रे मिस्टीरियो। तो मैंने आप सबको बताया था कि रे मिस्टीरियो वर्सेस अंड्राडे का मैच होने वाला था रेसलमेनिया 36 में, बट WWE ने उस प्लान में चेंजेस कर दिए थे क्योंकि रे मिस्टीरियो इस वायरस वाले सिचुएशन में अपने आप को सेफ रखना चाहते थे, इसलिए WWE ने अंड्राडे को उस टैग टीम मैच में डाल दिया। बट आप सबको बता दूं अंड्राडे भी हो चुके हैं रेसलमेनिया 36 से बाहर एंड वो जो हमें टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में कम्पीट करते हुए दिखने वाले थे वो अब नहीं दिखेंगे और उनके जगह अब दिखेंगे ऑस्टिन थ्योरी जो कि NXT में काम करते हैं। बट अंड्राडे के साथ कोई वायरस वाले इशू नहीं थी, वो इसलिए बाहर हुए क्योंकि उन्हें इंजरी हो गई थी रॉ में मैच खेलते हुए जो कि उनका टैग टीम मैच हुआ था सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड रिको से के साथ। इसके अलावा जो नेक्स्ट सुपरस्टार है वो है डैना ब्रुक। अब डैना ब्रुक के बारे में मैंने आप सबको पहले ही बता दिया कि वो भी अपने आप को सेफ रखना चाहती है इस वायरस वाले सिचुएशन में से, इसलिए उन्होंने अपने आप को स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच से कर लिया रिमूव, जो कि हमें देखने को मिलने वाला था रेसलमेनिया 36 में। इसके बाद जो नेक्स्ट सुपरस्टार है वो है रोमन रेंस। अब रोमन रेंस के बारे में आप सबको पहले ही बता दिया है कि आखिरकार क्यों वो हमें रेसलमेनिया 36 में मैच कम्पीट करते हुए दिखने वाले नहीं है। और ज्यादा डिटेल के बारे में आप सब जानना चाहते हैं तो ऊपर मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उस वीडियो का आप जाकर देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सुपरस्टार जो है वो कोई और नहीं, वो है द मिज। अब मिज की वजह से रोमन रेंस थोड़े बहुत डर गए थे इसलिए वो अपने आप को इस मैच से वापस ले लिए, बट इसके बाद ये बात तो साफ है कि मिज अगर बीमार है देन वो हमें रेसलमेनिया में मैच खेलते हुए नहीं दिखने वाले। और अपडेट्स ऐसी है कि रेसलमेनिया में जो हमें ट्रिपल थ्रेट लैडर मैच देखने को मिलने वाला है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, वो मैच अब सिंगल पर्सन लड़ने वाले तीनों टीम से, यानी कि मिज एंड मॉरिसन में से तो मॉरिसन ही होंगे एंड उसोज में से कोई एक उसो एंड न्यू डे में से भी कोई एक मेंबर। इसलिए लेट्स सी आखिरकार WWE अब इस मैच को किस तरह बुक करती है एंड क्या हमें यहां पर कोई न्यू चैंपियन क्राउन होता हुआ दिखता है या फिर नहीं। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट थिंग के बारे में, तो नेक्स्ट थिंग जुड़ी है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर एंड स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर के WWE चैंपियनशिप मैच से। तो जैसा कि आप सब इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे एंड यही जानना चाहते होंगे कि भाई यहां पर जीत किसकी होगी, क्या यहां पर ब्रॉक लेसनर रिटेन कर लेंगे अपनी WWE चैंपियनशिप या फिर ड्रू मैकइंटायर ब्रॉक लेसनर को हराकर बन जाएंगे न्यू WWE चैंपियन। तो आप सबको बता दूं अगर आप सब ये मानकर चल रहे हैं कि यहां पर ड्रू मैकइंटायर ब्रॉक लेसनर को हराकर बन जाएंगे WWE चैंपियन, देन आप सबको एक शॉक लग सकता है जब ब्रॉक लेसनर हरा देंगे ड्रू मैकइंटायर को। अब इसका रीजन यही है कि यहां पर कोई भी क्राउड नहीं रहने वाली और ड्रू मैकइंटायर एक उभरते हुए सुपरस्टार है, उन्हें चाहिए जब वो अपनी पहली वर्ल्ड टाइटल जीते देन उन्हें क्राउड एक काफी जबरदस्त रिएक्शन दे, बट यहां पर तो क्राउड ही नहीं रहने वाली है तो रिएक्शन की तो दूर की बात है। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है
जिसकी वजह से हमें ड्रू मैकइंटायर यहाँ पर अपने WWE चैंपियनशिप जीतते हुए नहीं दिख सकते। बट इसके अलावा अगर किसी भी रीजन से देखे तो सामने यही निकल कर आता है कि यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर हराने वाले ब्रॉक लेसनर को एंड वो यहाँ पर बन जाएंगे WWE चैंपियन। पहला तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट हर साल एक्सपायर होता है रेसलमेनिया के बाद, और शायद इस साल भी शायद ऐसा ही होने वाला है। और इस साल तो सऊदी का कोई इवेंट भी नहीं है रेसलमेनिया के बाद, इसके चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हमें ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया के बाद WWE में देखने को नहीं मिलेगा एंड वो समर स्लैम के टाइम या फिर उससे पहले थोड़ा हमें वो अपना रिटर्न करते हुए दिखे। एंड अगर बैटिंग ऑर्डर्स भी देखे तो बैटिंग ऑर्डर्स शुरू से लेकर अब तक ड्रू मैकइंटायर के साइड में है कि वो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को हराकर बनने वाले हैं न्यू WWE चैंपियन। या कहा जाए वो अगर चैंपियन बनने वाले होंगे देन वो बन भी गए होंगे, क्योंकि WWE ने सारे मैचेस अभी रिकॉर्ड कर लिए जितने भी होने वाले रेसलमेनिया 36 में, जो कि 25th एंड 26th मार्च को रिकॉर्ड हो गए। एंड हमें जो 4th एंड 5th अप्रैल को रेसलमेनिया देखने को मिलने वाला है वो पहले से प्री टेप्ड होगा, यानी कि लाइव नहीं होगा। इसलिए जो भी हो रेसलमेनिया 36 में हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, बट अगर ऑडियंस रहती तो हमें रेसलमेनिया देखने में और भी ज्यादा मजा आता। लेकिन गाइस आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इस WWE चैंपियनशिप मैच में किसकी जीत होगी, कि क्या यहां पर ड्रू मैकइंटायर ब्रॉक लेसनर को हराकर बन जाएंगे न्यू WWE चैंपियन, या फिर ब्रॉक लेसनर कर लेंगे रिटेन अपनी WWE चैंपियनशिप। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देके साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।